हाँ जी मानवती संस्कार तो ब्रह्मा और शंकर विष्णु जो 500-700 करोड़ जो मनुष्य है इस मानवती से क्या जो मन मन भगवान ब्रह्मा भगवान कहा गया है तो ब्रह्मा सबसे सब आत्मा से मनुष्य ने है सब आत्मा से ब्रह्मा का जो मन कहा गया है आप अपनी बात उड़िया में बोल दीजिए जल्दी जल्दी आपके हिंदी में बोलने से जो यहाँ बैठे लोग हैं वो ही नहीं समझ पा रहे आप जल्दी जल्दी उड़िया में बोलिए क्या पूछना चाहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन मूर्ति है तो तीन मूर्ति है ब्रह्मा को मन कहा गया फिर हिंदी में बोलना शुरू कर दिया आप उड़िया में धड़ाधड़ बोलिए सारी दुनिया की आत्मा है सारी दुनिया की आत्माएं का कनेक्शन कौन से ब्रह्मा के साथ है और जो बेसिक की ब्रह्मा कुमारियां हैं उनका कनेक्शन कौन से ब्रह्मा के साथ है जो दुनिया वाले कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं हमारा बाप आ गया है वो ब्रह्मा कौन है है प्रजापिता ब्रह्मा है अब आगे पूछो क्या कहते संकल्प बुद्धि कहा गया तो वही पूछे ब्रह्मा का साइज के साथ कनेक्शन है तो शंकर का भी कनेक्शन होगा विष्णु का भी नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण ये चार नाम मुरली में बताए नेक्स्ट टू गॉड ये चार नामधारी एक ही पर्सनालिटी एक ही व्यक्तित्व है या अलग अलग व्यक्तित्व है? है एक ही आत्मा के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है जिस प्रजापिता के लिए भी बोला गया है नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता जरूर वो प्रजापिता जब आखिरी विनाश होगा एटमिक एनर्जी से 7 दिन के अंदर सारी दुनिया का उस समय सारी दुनिया की 500-700 करोड़ आत्माएं उस बाप को जो दूसरे धर्मों में एडम आदम आदिनाथ के रूप में जाना जाता है उसको और उसके अंदर सुप्रीम सोल को पहचानेंगी या नहीं पहचानेंगी पहचानेंगी इससे साबित हो जाता है कि जो विष्णु में चार भुजाएं दिखाई गई हैं कोई ऊपर की कोई नीचे की कोई दाईं ओर की कोई बाईं ओर की उनमें से प्रजापिता नहीं हो सकता भुजाएं तो जड़त्व बुद्धि वाली होती है उनकी बुद्धि नहीं चलती बुद्धिमानों की बुद्धि बाप जो शिव गाया हुआ है उसका बड़ा बच्चा तो बड़ा देवता ही होगा जो देव देव महादेव गाया जाता है बाप बड़े बच्चे को ही विश्व की बात चाहिए अव्वल नंबर में देते हैं
फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार यथा राजा तथा प्रजा। तो प्रजापिता का कनेक्शन मनसा से सारी दुनिया से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि वो विष्णु का मन बुद्धि रूपी आत्मा ऊपर मस्तक में है, जो भुजाओं को चलाने वाली है। वो भुजा मात्र नहीं है, क्या है? भुजाओं को चलाने वाली। और एक प्रकरण में बताया गया कि रुद्रमणा के मणकाए आपस में दिल से नहीं मिले हैं, मजबूत से मिले हैं, तो विजयमण का मणके आपस में क्या मजबूत से क्यों नहीं मिलते हैं? क्या है विजयमण का मणके क्या आपस में मजबूत से नहीं मिलते हैं? वो तो देखो मन बुद्धि चलाते भी नहीं है तो भी मिले हुए हैं, और ये तो मन बुद्धि में प्रखर हैं, बाप को पहचानने वाले हैं या नहीं है? हैं? सारी सृष्टि का जो एक बाप है, सब धर्मों का बाप, उसको पहचाना है या नहीं पहचाना है? पहचानते हुए भी, मानते हुए भी, प्रैक्टिकल में, चलन में आसमान जमीन का फर्क देखा जाता है। दिल से मिले हुए नहीं है सब, सिर्फ बाप का ज्ञान मिला हुआ है बुद्धि में। तो मजबूरी से मिले हुए हैं। ईश्वर का ज्ञान उनको मिलाता है, वो भी तब तक जब तक निश्चय बुद्धि है। जब माया या मायावी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री के रूप में चाहे वो पुरुष के रूप में सामने आते हैं, बुद्धि को हिलाए देते हैं, अनिश्चय बुद्धि बनाए देते हैं, तो बागंती हो जाते हैं, बाप के विरोधी हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। तब पूरी रीति विरोधी साबित हो जाते हैं, या ऐसे लगता है कि मन से मिले हुए नहीं है लेकिन बाहर से मिले हुए दिखाई देते हैं। ये एडवांस के प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के भी ऊपर बात पहले लागू होती है, दुनिया वालों के ऊपर बाद में लागू होगी। क्या कि रुद्रमाला के मण के रुद्र वत्स दिल से मिले हुए नहीं है, सिर्फ दिमाग से ज्ञान को धारण किया है, दिल से धारण नहीं किया है। जैसे दिमाग से समझ करके 7 दिन में बहुत आते हैं जो निश्चय पत्र लिख देते हैं, लेकिन उनका दिल फिर भी नहीं मानता। दिल से सरेंडर नहीं होते हैं, दिल से सरेंडर फिर भी माया पहले नंबर में होगी। इसलिए माया सर्वशक्तिवान कही जाती है। बच्चे सर्वशक्तिवान नहीं है, एक बाप ही सर्वशक्तिवान है। तो आधा आधा राज्य बट जाता है, आधा राज्य सतयुग त्रेता का राम बाप के हवाले पड़ता है, और आधा राज्य कौन ले जाता है? माया रावण ले जाती है। इसलिए बच्चों को वो दिल से नहीं मिलने देती, दिमाग से मिले हुए। हाँ,
दादा ये सब धर्म पिता है ना बाबा है? धर्म पिता है अभी तो ये सृष्टि पर है तो बाबा ये अभी तो आध्यात्मिक ज्ञान में लेंगे ज्ञान में आएंगे ना वो तो बाबा वो सतयुग में आएंगे। जो धर्म पिता है द्वापर युग से ऊपर से नीचे आते हैं सूक्ष्म बीज हैं वो सतयुग में कैसे आ जाएंगे। हाँ वो सूक्ष्म बीज जिन आधार मूर्तों का आधार लेते हैं द्वापर युग के जिनके शरीर में प्रवेश करते हैं वो शरीरधारी आत्माएं सतयुग त्रेता में आती हैं। सिर्फ वो ही नहीं आती हैं उन आधार मूर्तों के जो बीज हैं आधार मूर्त जड़ों के बाप बीज हैं वो भी सतयुग त्रेता में आते हैं। वो सतयुग त्रेता में ही नहीं आते वो तो उनके भी बाप हैं तो कहां आते होंगे पहले आते होंगे या बाद में आते होंगे। वो पहले संगम युग में ही आ जाते हैं अस्तित्व में नई दुनिया के अस्तित्व में। ये अंतर है। धर्म पिताएं तीन प्रकार से हैं क्या जैसे ऊंचे ऊंचे धर्म पिता शिव बाप वो सूक्ष्म बीज है जड़ है या फल है क्या है पत्ता है वो सूक्ष्म बीज है। और प्रजापिता स्थूल बीज है। और प्रजापिता स्थूल बीज जो संगम युग में नर से नारायण बनता है उसका सतयुग में फल निकलता है। फल कहो पत्ता कहो वो सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण है आधार मूर्त नारायण है। अव्वल नंबर धर्म पिता का अव्वल नंबर बच्चा है लेकिन वो नर से नारायण नहीं बनता। ऐसे ही जो धर्म पिताएं हैं सूक्ष्म बीज हैं परम धाम से आते हैं वो जिनमें प्रवेश करते हैं वो आधार मूर्त जड़े हैं जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं। वो संगम युग में प्रत्यक्ष नहीं होते उनको ऊंच पद कहां मिलता है, है? सतयुग त्रेता में मिलता है। तो वो आधार मूर्त जड़े सतयुग में बुद्धू देवताओं के रूप में जन्म लेती हैं। उनके जो बीज रूप हैं जो सारी सृष्टि के सभी धर्मों के पूर्वज हैं वो कहां जन्म लेते हैं कहां प्रत्यक्ष होते हैं, है? संगम युग से ही प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ जी बच्चों में प्राइवेट पर किसी का भी कल्याण कर सकता है। हाँ हाँ मानो बच्चों में प्रवेश करता हूँ उनके द्वारा मैं समझाता हूँ जिनमें प्रवेश करता हूँ वो तमो प्रधान है या सतो प्रधान है। तमो प्रधान सर्विस करेगा या डिससर्विस करेगा। ओ तो डिससर्विस होने की दिमाग में तो बस एक ही बात भोग कैसे भोगे वो ही रट्टा लगा रहता है। वो तो तमो प्रधान है वो सेवा कैसे करेंगे। सेवा तो बाप दादा करते हैं
तो बच्चों में मैं प्रवेश करता हूँ। किन बच्चों में? जो सर्विस करने की हिम्मत करते हैं। हिम्मत बच्चे मदद बाप। परंतु कोई बच्चा ये कह नहीं सकता कि मेरे में बाप आया, और साबित भी नहीं कर सकता। साबित करने की कोशिश भल करें, कुछ आत्माओं के सामने बाप बनकर पूजा भी लेने लगे तो भी अंत में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारी दुनिया पहचान लेगी इन्होंने हमको भ्रष्ट बनाया, हमारा पद नीचे गिराई दिया, हमको राक्षस बनाई दिया, हमको कन्वर्टेड आत्मा बनाई दिया। और बाकी पॉक्सुपान में थोड़े ही प्रोफेसर साक्षात्कार करूंगा है, बाकी पॉक्सुपान में प्रोफेसर थोड़े ही प्रोफेसर साक्षात्कार कराऊंगा कराऊंगा माने भविष्य में। जो पाकिस्तान में मुसलमान बसे हुए हों या हिंदुस्तानी बसे हुए हों, उनको थोड़े ही साक्षात्कार कराऊंगा, अंत में बहुतों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार भी होंगे और स्वप्न भी आवेंगे, स्वप्न में देखेंगे, साक्षात्कार में देखेंगे, निश्चय पैदा करेंगे बाप आया हुआ है। तो भक्त की कोटि के होंगे या ज्ञानी तो आत्मा बच्चे होंगे है, उस समय भक्तों का नंबर लग जाएगा। और वो भक्त पाकिस्तान में निकलेंगे या भारत में निकलेंगे? भारत में निकलेंगे। बाबा ये जो हमारा आत्मा होता है, बाबा आत्मा और बाबा जो परमात्मा होते हैं, ये कैसे पहले सृष्टि हुआ है? ये जो आत्मा पहले कैसे सृष्टि हुआ है? पहले कैसे बने? आत्मा बनती है कि आत्मा आजर हमारा विनाशी है? पहले से होता सृष्टि हुआ ना? हाँ, सृष्टि कभी आदि और अंत होती है? सृष्टि का, सृष्टि का आदि अंत कभी होता है? पांच तत्वों का आदि अंत होता है? पांच तत्व या एलिमेंट भी वैज्ञानिक बताते हैं ये अजर अमर अविनाशी हैं, सदैव हैं, इनका कभी नाश नहीं होता है। ये रूप बदलते हैं परंतु इनका विनाश नहीं होता। ऐसे आत्माओं का भी विनाश नहीं होता है, परमात्मा का भी विनाश नहीं होता है, इस सारी सृष्टि का कभी भी टोटल विनाश नहीं होता है। घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचमैन, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचमैन कृष्ण। हाँ, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचमैन कृष्ण भक्ति मार्ग में दिखाया है। हाँ, ये क्या है? भगवान गीता ज्ञान देने वाला है। भक्ति मार्ग में भगवान बाप को छुपाए दिया और बच्चे को प्रत्यक्ष कर दिया। जो भगवान बाप है, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला है, उसे शिवशंकर भोलेनाथ को छुपाए दिया, जिसमें शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, और उसका जो बच्चा है सतयुग में, उसको भगवान बना दिया, उसी को चार घोड़ों की गाड़ी दिखाई दी है। वास्तव में ब्रह्मा के लिए जो गायन है कि ब्रह्मा की मनसा से चार पुत्र पैदा हुए सबसे पहले, वो कौन से ब्रह्मा की बात है? प्रजापिता ब्रह्मा की बात है। जो प्रजापिता पुरुषार्थी जीवन में
संसार के सामने शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। उसकी बात है, वो है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके मनसा के संकल्पों से चार पुत्र पैदा हुए। क्या नाम दिया? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। वो ही चार मन बुद्धि रूपी घोड़ों के रूप में दिखाए गए हैं, जिनकी मन बुद्धि रूपी लगाम भगवान के हाथ में रहती है। परंतु भक्ति मार्ग में भगवान कृष्ण को दिखाई दिया, ये गलती कर दी। कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, भगवान के वाक्यों को समझने की बुद्धि बच्चे में नहीं हो सकती। आज की दुनिया के जो बड़े बड़े कवि होते हैं, उन कवियों की बात को समझाने को बड़े बड़े प्रखर विद्वान नहीं समझ पाते। तो जो उन कवियों को कवि बनाने वाला है भगवान, उसकी वाणी को कोई कैसे समझेगा और बच्चा बुद्धि समझेगा? ये तो हो ही नहीं सकता। और अरे वो विद्वता बाद में दिखाना, बात बताओ है। शरीर छोड़ के दूसरे में प्रवेश तो तब करेगा जब उसकी अकाले मौत होगी। तो यही प्रूफ है कि जिनकी अकाले मौत होती है, चाहे वो बेसिक में हो और चाहे एडवांस में ब्राह्मण बने हो, अकाले मौत वालों को सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है कुछ समय के लिए, वो ही प्रवेश करेंगे। चौसठ जोगनिया मंदिर में, हाँ, ये किसके अधीन है? जोग लगाने वाली को जोगिनी कहा जाता है। क्या? किनको कहा जाता है? जो जोग लगाती हैं उनको जोगिनी कहा जाता है। तो वो जोग लगाने वाली जोगिनी जो ज्यादा योग लगाती हैं, वो निराकार बाप को साकार में पहचानने वाली होंगी, तब ज्यादा योग लगाएंगी। या नहीं पहचानने वाली होंगी, वो ज्यादा योग लगाएंगी। निरंतर योग लगाने वाली योगिनी कौन बनेंगी? है जो साकार में निराकार बाप को पहचानने वाली होंगी। तो कौन कौन से धर्म हैं जो साकार में आए हुए बाप को पहचानते हैं, सिर्फ निराकार को नहीं मानते, साकार को भी मानते हैं? एक तो सूर्यवंश, एक चंद्रवंश, और उसके बाद है नहीं, इस्लामी भी पहले मूर्तियों को पूजते थे, साकार देवताओं को मानने वाले थे। तो ये तीन धर्म हो गए जो साकार में आए हुए निराकार को पहचानते हैं। मुरली में भी बोला है, पहले कौन मरेंगे?
इस्लाम ही मरेंगे। मरेंगे माने क्या है? इस दुनिया से मरेंगे। आप मुए मर गई दुनिया, ऐसे निश्चय बुद्धि बनेंगे, देह अभिमान से मरेंगे। जो देह की परवाह नहीं करते, जिन्होंने अमेरिका में बड़ी प्रसिद्ध बिल्डिंग को भी तोड़ दिया, वो देह की परवाह करने वाले थे या देह की भी परवाह न करने वाले थे? है, देह की परवाह नहीं करने वाले थे। ऐसे इस्लामी पहले निकलेंगे जो देह अभिमान से पहले मरेंगे। तो कितने धर्म हो गए? है, तीन धर्म हो गए। बाद में कौन सा धर्म है भारतीय जो साकार को मानता है? बौद्ध निराकार को मानते हैं या साकार को भगवान मानते हैं? तो निराकार को ही मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे हमारे बुद्ध ही भगवान है। तो बुद्ध धर्म भी निकाल दो। उसके बाद सन्यासी, सन्यासी निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं? है, साकार को भगवान मानते हैं, है? है, निराकार को ही मानने वाले हैं। वो कहते हैं शिवो हम, हम आत्मा सो परमात्मा, दूसरा कोई नहीं। तो सिख धर्म एक ऐसा है जो साकार में देवी देवताओं को मानता है, साकार में आए हुए भगवान को भी मानता है। तो चार धर्म हैं। जैसे सूर्यवंश में अष्टदेव हैं, ऐसे उन धर्मों में भी अपने अपने अष्टदेव हैं। अष्टदेव हैं तो देवियां भी होंगी या नहीं होंगी? होंगी। तो कितने हो गए? है, अष्टदेव और अष्टदेवियां कितने हुए? 16। और चार धर्मों में 16 × 64। ऐसी 64 योगिनियां हैं। योगी नाम नहीं दिया उनको, योगिनियां नाम दिया। इसलिए नाम दिया कि स्त्री चोला जो होता है उसका ही पति से ज्यादा लगाव लगता है। पुरुषों का पत्नी से ज्यादा लगाव नहीं लग पाता। ऐसे नहीं कि रुद्रमाला में पुरुष तो हैं सब स्वभाव संस्कार से, लेकिन ऐसे भी हैं कोई जो भगवान को पति मानते हैं और अपने को पत्नी के रूप में मानते हैं। कोई होंगे या नहीं होंगे? हैं, होंगे तो जोगिनिया हो गए। और है ब्रह्मा को बाबा कहा जाता है और किसको? शिव, हाँ शिव बाबा कहा जाता है। हाँ तो वो बाबा कैसे कहेंगे? विष्णु चाचा है। तीन देवताएं हैं ना, तीनों भाई भाई हैं। तो विष्णु चाचा है और शंकर ताऊ है। तो परिवार में जो ताऊ होता है उसको बड़ा बाप कहते हैं कि नहीं? है, कहते हैं या नहीं? ताऊ को बड़ा बाप कहते हैं। तो विष्णु को बाप या बाबा कहें या न कहें, ताऊ तो बाप है। तो छोटा बाबा भी है और बड़ा बाबा भी है, इसलिए मुरली में बोला
छोटा बाबा और बड़ा बाबा, छोटा बाबा ब्रह्मा बाबा, बड़ा बाबा शिव बाबा। सेवा की फील्ड में सेवा की फील्ड में जब उतरते हैं तो बाबा ऐसा कुछ होते होते डिस्कशन कुछ होते होते पूरा अचानक बरस आता है माया, अचानक मार पड़ता है तो अचानक मार पड़ता है डंडे से, हाथ से मार पड़ता है माने कोई पीटने लगते हैं, देह अभिमान आ जाता है ज्ञान सुनने वालों को। हाँ तो बाबा, बाबा जो बोला है किसी भी हालत में भी सामना करना है, है? सामना करना है, सामना करना है बाबा ने बोला है, बाबा ने बोला है क्रोध आता है तो क्रोधी के सामने सामना करना है, बोला है बाबा ने तो नहीं बोला, बाबा ने कहा भाग जाओ, इतनी परख शक्ति चाहिए, इतनी वाइब्रेशन की भी परख चाहिए, इतनी दृष्टि की भी परख चाहिए बात करते करते कि इसकी आंखें तुरस होने लगी कि नहीं, इतना वाचा की भी परख चाहिए कि ये अपनी वाचा को कंट्रोल में ला पा रहा है या नहीं ला पा रहा है। तो जब अब पहचान लिया कि इसको क्रोध आ रहा है, वाचा से भी पहचान लिया, दृष्टि से भी पहचान लिया, वाइब्रेशन से भी पहचान लिया, तो अपने भागने की कोशिश करनी चाहिए या देह अभिमान दे, अच्छा मैं भी लड़ती हूँ हटो, मेरा बाप सर्वशक्तिमान है तो पिटी ही जाओगे। लेकिन बाबा आसपास में बहुत घनिष्ठ है ना संपर्क है, माना ये बेसिक में जब होते हैं घनिष्ठ संपर्क होता है। घनिष्ठ किसे कहते हैं, घनिष्ठ प्यार का होता है या घनिष्ठ मार का होता है, ये आपका कैसा घनिष्ठ है। कोई भी जगह बोलते हैं कि सामना करो है, कोई कोई तो कोई कोई की मत पे चलो और पिटते रहो, कोई 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 कहते हैं तो कोई कोई की मत पर चलना है या एक शिव बाबा की मत पर चलना है। बाबा ने बताया कि कोई कोई समय क्योंकि परिस्थिति आता है तो सामना करना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। क्रोधी का सामना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ मुख्य बात ये है, क्रोधी का सामना नहीं करना चाहिए तो फिर बात खत्म हो गई। और बाबा ये ज्ञान के लिए बोला ना तुम्हारा इतना एक एक बात ना दो दो बात है, वो बोल रहे एक एक बात ना दो दो बात, एक एक बात नहीं दो दो बात। हाँ अब वो तो लौकिक में भी होते हैं, लौकिक बाप के होते हुए भी भारत में तो खास पारलौकिक बाप को भी याद करते हैं, तो लौकिक में भी दो बाप होते हैं और यहाँ अलौकिक में भी तीन बाप हैं, एक लौकिक देह का बाप, दूसरा सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, वो भी लौकिक है, वो बेहद का लौकिक है, और एक है आत्माओं का बेहद का बाप, तो सब मानेंगे कि तीन होते हैं। बाबा कुछ नहीं करने से वो सोचते हैं ये उनका कमजोरी है, है? अरे वो जो पिटाई कर देते हैं हम कुछ नहीं करते हैं, हाथ पांव ऐसे बाहर। अरे पिटाई होने की नौबत ही क्यों आने दें, पास पास में होते हैं तो वो चीख जाते हैं दो 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 तो पास पास में होते हैं, पहले से वाइब्रेशन को पहचानो, उनकी दृष्टि को पहचानो, परखो उनकी वाचा को, परखो परखो और मौका निकाल के भाग जाओ। मतलब लेकिन किसी के हाथ में ऐसे ऐसे करके वो जैसे मारते हैं है? मतलब वो जैसे मारते हैं ऐसा ऐसा कुछ करके वो देते हैं ना, ऐसे ऐसे करके उनको मतलब ऐसे मारना है जैसे पता नहीं पड़ेगा हम मारा है हम रोका है। ठीक है, जो बाहुबल वाले हैं वो विनाश को पावेंगे, उन्होंने तो अपना बाहुबल दिखाया, और तुम भी अपना बाहुबल दिखाओगे तो तुम्हारे पद का विनाश होगा या नहीं होगा, तो करो विनाश। हाँ जो गंगा नदी है ना, रमजान गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी, ये इसने किसने कहा, ये किसने कहा कि गंगा नदी पवित्र है आज की दुनिया में,
तुम्हें किसी ने गलत बता दिया। गंगा नदी के पानी में तो बहुत बदबू आने लगी। बैठ जा बैठ जा। गायत्री गायत्री मतलब कौन कौन शक्ति है, कौन कौन शक्ति है? गायत्री माता तो तीन शक्तियाँ। गायत्री माता का जो चित्र दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, वो तीन देवियों के रूप में दिखाया जाता है या एक ही देवी है? एक ही, सौ जगह नहीं है। जब त्रि शब्द आया है तो जरूर तीन आत्माएं हैं। जैसे त्रिदेव हैं वैसे ही उनकी तीन देवियां हैं। पुरुषार्थी जीवन में उनके संस्कार टकरा सकते हैं, लेकिन जब संपन्न बन जाती हैं तो तीनों के संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। और चित्र में सहजगी नहीं है। सहजगी जो है सभी मंत्र सहजगी है नहीं, वो तीनों आपस में ही सहयोगी है। और राम का बनवास कब खत्म है? राम का बनवास कब खत्म? बाबू खत्म कब? खत्म हो चुका, सब खत्म होगा। जब वनवास खत्म होगा तो सीता की अग्नि परीक्षा होती है। क्या? अग्नि परीक्षा होने के बाद राम की राजगद्दी होती है। तो राजगद्दी हो गई माने वनवास खत्म हो गया। और है बाबा ने अभी बताया कि जो असली ब्रह्माकुमारी है तो वही 10 साल में कैसे विनाश होता है समझा सकता है? जो असली ब्रह्माकुमारी है 10 साल में कैसे विनाश होता है वही समझा सकता है? 100 साल में 10 साल में 600 में जो बताया था कि आने वाले 10 साल में विनाश हो जाएगा, तो बाबा ने बताया कि जो असली ब्रह्माकुमारी है वही समझा सकता है। अभी तक कोई समझा सका? हाँ, अभी तक ब्रह्मा कुमारी की बात छोड़ दो, कोई ब्रह्मा कुमार समझा सका है? तो ब्रह्मा कुमार तो नहीं समझा सका, लेकिन आज नहीं तो कल ऐसी ब्रह्मा कुमारी प्रैक्टिकल में निकलेगी जो सारी दुनिया को यह समझाएगी कि 76 से ही दुनिया के अंदर विनाश शुरू हो चुका, और इस बात को इस्लामियों मुसलमानों ने पहले जाना, उनके शास्त्रों में भी लिखा हुआ है 14वीं सदी के बाद दुनिया का विनाश। वो 14वीं सदी 79-80 में खलास हो गई। तो अभी तो क्या कोई असली ब्रह्मा कुमारी नहीं है? तुमने असली को पहचान लिया है? असली वही है जो माँ को जानते हैं और बाप का बाप को जानते हैं। जिसको बाप का परिचय ही नहीं है वो असली है या नकली है? नकली। तो फिर बाबा ने बताया जो जानते हैं दोनों को वही असली है। किसको? दोनों को, माँ को जानते हैं और बाप को, बाप का परिचय है। सदा का निश्चय बुद्धि कोई है? अरे सदा का निश्चय बुद्धि कोई है जानने वाला? अरे तो चुप हो गया। नहीं है तो असली कोई नहीं है। सदाकाल की स्थिति कब होगा? है ये स्थिति कब आएगी? क्या सदाकाल निश्चय होने का स्थिति? सदाकाल निश्चय बुद्धि तो एक ही है, जिसके लिए बोल दिया। क्या बोल दिया? कि बाप आया हुआ है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो बाप कोई तो है बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है। बाप से भी बड़ा कोई होता है? वो ही है। और सबको माया हिलाई देगी, एक बाप को नहीं हिला सकती। तो ये सुप्रीम होता है या जिसी टोन में बाप आता है उसी का बात है? जिसी टोन में बाप आते हैं
उसी का बात है या निराकार की बात? निराकार, निराकार को निश्चय बुद्धि कैसे करेंगे? निराकार के ऊपर निश्चय कैसे कहा जाएगा? निश्चय निराकार के ऊपर कहा जाता है या निश्चय साकार के ऊपर कहा जाता है? निश्चय तो कहा ही जाता है साकार को पहचानने से। फिर भी बोलते हैं कि साकार भी ऊपर नीचे होता है, साकार भी निश्चय बुद्धि में आता है और अनिश्चय बुद्धि में आता है। साकार नीचे ऊपर होता है माने अनिश्चय बुद्धि होता है, प्रतिफल होता है मतलब निश्चय होता है। अनिश्चय बुद्धि होता है, पतित कैसे बनता है? पतित नीचे वाला बनता है या ऊपर वाला प्रवेश करने वाला बनता है? नीचे वाला तो साकारी बनता है ना, वो साकारी बना हुआ है। सदाकाल निराकार, निराकारी जब बन जाता है तो शिव और शंकर दोनों एक हो जाते हैं, फिर सारी दुनिया पहचान लेती है। जो बताते हैं कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना, हाँ तो ये अभी तो इसका मतलब जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं उनमें कोई सबसे अच्छा पुरुषार्थी होगा या नहीं होगा? है, जरूर कोई होगा, और जो होगा उसको अनुसरण करेंगे पहचान करके तो ऊपर ही चढ़ेंगे या नीचे गिरेंगे? ऊपर ही चढ़ेंगे। इसलिए बोला सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना, उसका नाम ही है नारायण। आयन माने घर, नार माने ज्ञान जल, वो कहाँ रहता है? ज्ञान जल में ही रहता है। संपूर्ण की बात कहाँ हो रही, सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करने वाले की बात हो रही। क्लास में स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए ना कि मॉनिटर बनने योग्य कौन है कि नहीं पता चलता है? पता चलता है। तो जो मॉनिटर बनने योग्य है टीचर की अनुपस्थिति में किससे पढ़ाई पढ़ी जाती है? मॉनिटर से पढ़ ली जाती है। संपूर्ण बन गया वो टीचर बन गया? टीचर तो नहीं बन गया, लेकिन जानते हैं कि ये उतना होशियार है हम बच्चों के बीच में कि हमको पढ़ाई पढ़ा सकता है। और हाँ, इंडिया गेट जो है, जो यादगार इंडिया गेट, छोटी मम्मी आएगी, छोटी मम्मी कब आएगी? वो ही तो इंडिया गेट की यादगार है, विक्टोरिया। विक्टोरिया जब आई थी तब वो यादगार बनी थी या एलिजाबेथ आई थी तब यादगार बनी थी? विक्टोरिया का अर्थ क्या है? विक्टरी, यह वो आई और विक्टरी माने विजय मिली। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, फिर तो विजय हो जाएगी। और हाँ है काली और समकाली, उस समय देवी है समकाली कह के बोलते हैं, तो काली और समकाली में डिफरेंस क्या है? समकाली क्या है? देवी का नाम है, काली का एक रूप है। अरे तुलसी दो हैं, एक श्यामा तुलसी माने काली तुलसी और एक हरित तुलसी, हरा पत्ता होता है। उन दो का गायन है, हरे पत्ते वाली तुलसी और काले पत्ते वाली तुलसी, महाकाली। तो जो काली है वो घर में नहीं रखी जाती है, पूजी भी नहीं जाती है, वो जंगल में ही फलती है। और जो हरे पत्ते वाली है वो घर में पूजी जाती है, पूजा भी करते हैं लेकिन आंगन में रखी जाती है। ऐसे नहीं है कि उसने
पवित्रता का पालन नहीं किया है। पूजा पवित्रता की होती है, तो हरी तुलसी ने भी पवित्रता का पालन किया है पुरुषार्थी जीवन में, इसलिए पूजा होती है, भले आंगन में रखी जाती है। अंदर रूम में बेड में कौन बैठती है और आंगन में कौन बैठती है, दरवाजे पर है? बेडरूम में रानी बैठती है और आंगन में दरवाजे पर दासी बैठती है, लेकिन वो दासी भी पूजनीय है। जरूर उसने भी ऐसा पुरुषार्थ किया है, एक की बनकर रही है, इसलिए पूजा होती है। और जब बाबा सतगुरु का पाठ बाबा का कब शुरू होगी, जो एक बार बाबा का सतगुरु का पाठ शुरू होगी, जब बाबा जो सतगुरु का पाठ शुरू होगा, सतगुरु बाबा जो एक बार देखे थे बाबा को, जो एक बार बाबा से दुखी लगा तो बाबा उसका प्रगति हो जाएगा, तो स्वर्ग में जाएगा। बोले थे ना बाबा, ये जो एक बार बाबा से दुखी लगा तो बाबा सतगुरु का पाठ जाकर, बाबा ने बोला है जो देखे और जो सुने वो कहने लगे कि बाप आ गया, अर्थात बाप को पहचान लेगा। ये बाप की आखिरी प्रत्यक्षता है। इसके लिए मुरली में बोला है, जब तुम बच्चे अव्यक्त बन जावेंगे तो तुम्हारी अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। अब बनेंगे नंबरवार, एक साथ बन जावेंगे, नंबरवार बनेंगे। पहले नंबर का गायन हो जाता है, जो पहले नंबर में ओटे सो अर्जुन बन जाता है। और ओपी एवं नाई का सूत्र क्या चल रहा है? ओपी एवं नाई, ओपी ओपी हाँ, नाई क्या होता है? नापी का बाल, बाल काटता है। अरे कहाँ गोपी का पार्ट, कहाँ बाल काटने वाले का पार्ट, ये कोई मतलब ही नहीं हुआ। भगवान के साथ गोपियां गाई गई हैं या बाल काटने वाला नाई गाया गया है? भगवान के साथ गोपियां भी गाई हुई हैं और पटरानियां भी गाई हुई हैं और महारानी भी गाई हुई है। गोपियां वो है जो भगवान बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़ती है। संबंध है इंद्रियों से ही जोड़े जाते हैं या सिर्फ वाचा से जोड़े जाते हैं या मनसा से जोड़े जाते हैं? संबंध कैसे बनते हैं? गोपी ना गोपी, तो गोपी 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 बोल रहे, गोपी गोपी। बीच में मत बोला करो, क्या बात चल रही थी? हाँ हत्या वाला, हाँ बोल, बोलो बोलो। शंकर क्या है कि हाथ में हरिण का बच्चा होता है, शंकर जी का होता है ना, शंकर जी का एक हाथ में हरिण का बच्चा पकड़ता है, शंकर का एक हाथ में हरिण का जो डमरू होता है, हरी डमरू, और एक हाथ में परशुराम का टांगिया पकड़ता है, परशुराम का, और एक हाथ में परशुराम का टांगिया होता है, परशुराम का जो होता है ना, परशुराम, परशुराम के हाथ में फरसा होता है, और परशुराम के हाथ में फरसा, परशुराम के हाथ में परश होता है, एक हाथ में परशुराम का फरसा होता है तो दूसरे हाथ में गेंद का डमरू होता है। जो फरसा है, चाहे वो परशुराम का हो और चाहे वो शंकर के हाथ में हो,
जो परसा है पारस स्पर्श है। ये क्या परशुराम के हाथ में फरसा होता है और शंकर के हाथ में डमरू होता है? जो फरसा है वो स्पर्श करने का बिगड़ा हुआ रूप है, स्पर्श से बिगड़ करके फरसा बन गया। पारस बुद्धि जो नाम है वो यादगार है कि स्पर्श करने मात्र से ही काम कर जाता है। आंख से आंख मिली, स्पर्श मात्र हुआ और सदगति हो जाती है, मर जाता है। तो फरसा है स्पर्श की यादगार, और डमरू जो है वो दो तरफ बजता है। ऐसे करेंगे तो इधर बजेगा, ऐसे करेंगे तो इधर बजेगा। राइट साइड में भी बजता है और लेफ्ट साइड में भी बजता है। इसका मतलब ये हुआ कि शंकर ही एक ऐसा देवता है जो राइटियस को भी सपोर्ट करता है और लेफ्टिस्ट राक्षसों को भी सपोर्ट करता है। वो अच्छा बुरा नहीं देखता है, एक बाप के अच्छे बच्चे भी होते हैं और बुरे बच्चे भी होते हैं। जो बाप है वो अच्छे और बुरे दोनों बच्चों की पालना करता है, असलियत में वो ही बाप है। जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है वो विष्णु बाप का काम नहीं करता, वो सिर्फ देवताओं को सपोर्ट करता है। और ब्रह्मा विष्णु संपन्न है, ब्रह्मा असंपन्न है, उसकी गोद में सब पलते हैं क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाता कौन अच्छा है कौन बुरा है। मां के लिए तो सब बच्चे गोद के बच्चे हैं, लुच्चा लफंगा रंडीबाज शराबी कबाबी कैसा भी बच्चा हो उसको अपनी गोद में रखना चाहेगी या भगाना चाहेगी? गोद में ही रखना चाहती है। वो तो ब्रह्मा का पार्ट है जिसकी गोद में बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। और तो ये गाड़ी चलता है मतलब कुल 600 का गाड़ी चलता है तो बाबा ने बोलता है कि अभी तक राम कृष्ण की आत्मा भी खुशी में नहीं है। कुल 600 का वाणी चलता है तो 600 में बाबा ने बोला है कि अभी तक राम कृष्ण की आत्मा में खुशी में नहीं है, अभी भी खुशी में नहीं है। 66 का वाणी में चलता है तो राम कृष्ण की आत्मा खुशी में नहीं है अभी तक। 66 की वाणी में कोई वाणी बाबा 66 का या 68 का चलता है तो बाबा ने जो बोलता है अभी वो अभी 66 के लिए लागू होता है या अभी जो चलता है 2012 के लिए लागू होता है? 66 की वाणी 66 में भी लागू होती है, वहां सभी बेसिक के बच्चे थे। बाबा ने बताया कि जब ब्रह्मा में संपन्न बन जाएगा तब उसको धारणा की राजा कहा जाएगा,
तब तक वो धारणा की राजा नहीं है। ठीक है, धर्म राज नहीं है, नहीं है। तो जो अव्यक्तवाणी आता है तो बाबा ने बताया था कि वो धारणा की वाणी है। धारणा की वाणी होने से देवता नहीं हो जाता है, धारणा के काम करने से देवता होता है। तो क्या ब्रह्मा की सोल हर समय आत्मिक स्थिति में स्थित है? है या देवान में आकर के सूक्ष्म शरीर में भी चली जाती है? क्यों, महाकाली को तीसरा नेत्र होता है या नहीं? एक कहती है कि और किसी देवी देवता को नहीं दिखाते? पक्का कर लिया करो पहले, भक्ति मार्ग की बात है। बाबा जो धर्मराज का जो सजा है जो आंख में होगा, ट्रिब्यूनल बैठेगा, जो ट्रिब्यूनल आंख में बैठेगा बाबा, वो सजा क्या होगा बाबा? सजा क्या होगा? सजा के रूप में क्या होगा? सजा ऐसी होगी जो आत्मा ही आत्मा के अंदर महसूस करेगी। लंबे समय की सजा एक सेकंड में आत्मा को महसूस होगी, बड़ी भारी यंत्रणा महसूस होगी। गर्भ में तो उतनी सजा नहीं होती है, जो त्राहि त्राहि करते हैं हमको बाहर निकालो। ये ज्ञान गर्भ का अंतिम समय है, हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा।